और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए रायपुर पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्तियों को गुड सैमरिटिस अर्थात नेक व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाएगा। पहल के अंतर्गत एसएसपी संतोष सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता पहुंचाकर जान से बचाने वाले 6 गुड सैमरिटिस को कंट्रोल रूम में सम्मानित किया है। लोगों को पोस्टर और होर्डिंग्स के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियों के चलते लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अक्सर हम देखते हैं, लोग अस्पताल नहीं पहुंचाते और कई बार समय पर इलाज नहीं होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सामने आते हैं जो बिना कुछ सोचे उनकी मदद करते हैं और ऐसे लोगों की जान बचाते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरों में आप देखेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान खतरे में डालकर सीधे उन्हें उठाया और सीधे अस्पताल पहुंचा और उनकी जान जो है वो बचाई। ये सम्मान जो है इन्हें रायपुर पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। रायपुर पुलिस द्वारा हाल ही में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनमें जो लोग लोगों की जान बचाते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए अब उनके पोस्टर और बैनर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। नेक इंसान के नाम से एक अवार्ड जो है गुड सैमरिटन समाज सम्मान मार्च 2024 के तहत यातायात पुलिस द्वारा एक नई पहल जो है वो की गई और ऐसे नेक इंसानों का सम्मान किया जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में नाम के साथ साथ कहां पर किसने किसकी जान बचाई, उस घटना का भी जो है वो जिक्र किया गया है कि सिग्नल के पास घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, उसकी जान बचाई। इस प्रकार से ऐसे लोगों को नेक इंसानों का सम्मान करने के लिए अब रायपुर पुलिस की एक अनोखी पहल सामने आई है और शहर के बीच चौक और सड़क चौराहों में जो है इनके फोटोज लगाकर इनका सम्मान किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद खान, NH 24/7 रायपुर।